Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है संडे और एवरी संडे रात 8 बजे मैं आपके सामने लेकर आता हूं एक वीकली करंट अफेयर का बहुत ही कमाल का क्विज, जिसमें मैं हफ्ते भर जो भी आपको करंट अफेयर में पढ़ाया रहता हूं उसका टेस्ट लेता हूं और आप लोग बहुत अच्छे से उसमें रिवीजन कर पाते हैं। तो आई थिंक आप लोग तैयार हो गए होंगे टेस्ट देने के लिए। तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक और जल्दी से शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए। आप लोग को कमेंट करके बताना है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं 5 से 10 सेकंड का आपको मौका दूंगा। कमेंट कीजिए जल्दी अपने आंसर को, उसके बाद फिर आप लास्ट में एंड में अपना स्कोर बताना मत भूला कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे अभी, जब तक जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिससे जुड़ जाएँ। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर वीडियो लाता हूँ, उसके बाद वीकली में आपका रिवीजन कराता हूँ, फिर एंड में मंथली करंट अफेयर की भी वीडियो देता हूँ। यानी कि अगर आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो करंट अफेयर तो आपका बिल्कुल रटा हो जाएगा। इसके साथ ही जो बाकी डेली करंट अफेयर वीडियोज होती हैं और मंथली करंट अफेयर वीडियोज होती हैं उनकी PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर मैंने कई सारे कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं और लगातार अपलोड करता रहता हूँ। NTPC हो गया, RRBJEE हो गया, इन सभी एग्जाम्स के लिए अपलोड होते रहते हैं वहाँ पर लेसन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाइए वहाँ से भी जुड़ जाइए, उन वीडियोज़ का फ्री में फ़ायदा उठाइए। तो आई थिंक अब सभी लोग आप लोग इकट्ठे हो गए होंगे, आ गए होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट को। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मृति ईरानी ने किस राज्य में 2 सिल्क परियोजनाएं शुरू की। स्मृति ईरानी जो कि हैं कपड़ा मंत्री वर्तमान में, इन्होंने 2 सिल्क परियोजनाएं किस राज्य में शुरू की, जल्दी से कमेंट करके बताइए। करेक्ट ऑप्शन इज असम, ठीक है, असम में शुरू की हैं, असम के उदलगुड़ी जिले में स्मृति ईरानी ने अभी हाल ही में 2 सिल्क परियोजनाएँ शुरू की हैं। नेक्स्ट है, रूस भारत चीन की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित होगी, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए आप लोग। तो ये आयोजित हो रही है चाइना के वुझेन शहर में, कहाँ पर, चाइना के वुझेन शहर में आयोजित हो रही है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश में साल भर लंबे आपातकाल की यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की। तो किस देश के राष्ट्रपति ने की है अभी हाल ही में, एक साल के लिए, याद रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी लॉन्च किया था लेकिन वो एक साल के लिए नहीं था, तो इसमें सूडान ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने साल भर लंबे इमरजेंसी की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 2 तटरक्षक जिला मुख्यालय वाला देश का पहला राज्य कौन बना, 2 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स वाला कौन बना है, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में चेन्नई तो एक तो था, दूसरा कौन है कमेंट करके आप लोग उसका नाम भी बताइए, मैंने कई बार आपको बताया है, मंथली करंट अफेयर भी वीडियो में मैंने बताया है। नेक्स्ट है, हाल ही में EPFO ने कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की। EPFO यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसने कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की है, 0.1%, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्कूली छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए खुशी योजना को मंजूरी मिली है। वेरी इजी है और आप लोग को तो मैं याद करा दिया हूँ और इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा, ये तो बहुत ही इसके चांसेस है पूछे जाने की क्वेश्चन, ठीक है। वो उड़ीसा ने शुरू किया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड किसको मिला है, दिव्या कर्नाड को, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किशोरियों के लिए योजना शुरू की। किस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने किशोरियों के लिए योजना शुरू की है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, बी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी जी ने। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा जीव दुनिया का पहला विलुप्त स्तनपायी जीव बना, कौन सा जीव पहला विलुप्त स्तनपायी जीव बना ऑस्ट्रेलिया का, छोटा भूरा चूहा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई थिंक आपको समय पर्याप्त मिल रहा है, मैंने आपको कई बार बताया और हर वीकली क्विज में बताता हूँ कि आप अगर GK GS का या फिर हिंदी हो गया है, जो भी थ्योरेटिकल आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए आपको 5 से 10 सेकंड बहुत है, इनफ है।
अगर आप लोग यहाँ पर टाइम बचाओगे तभी आप लोग वो टाइम यूज़ कर पाओगे मैथ और रीजनिंग में, तो जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो इसलिए अपनी हैबिट बनाओ आप लोग 5 से 10 सेकंड में इन चीज़ों को सॉल्व करने की, ठीक है। चाहे वो करंट अफेयर हो, इतिहास हो, भूगोल हो, और साइंस के भी जो थ्योरिकल पोर्शन होते हैं, हिंदी हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने तारपीडो अधिग्रहण को मंजूरी दी? तारपीडो अधिग्रहण किस मंत्रालय ने मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट है, एशियाई हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बने? एशियाई हॉकी महासंघ इसके उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यह हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष करंट टाइम पर, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हॉकी इंडिया पूछे तब भी आप लोग बताइएगा, एशियाई हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष पूछे तब भी आप बताइएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पहले चंद्र लैंडर बेयरसैट को प्रक्षेपित किया गया? बेयरसैट किस देश का मून लैंडर है? इसराइल का, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ओके। आगे है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में किस पोजीशन पर हैं? 12वें। अब मेरे पास कमेंट आया था अभी कल या परसों था शायद, कि उन्होंने बताया कि 8th रैंक है। तो देखिए, ये 8th रैंक वाला जो है ये दूसरा इंडेक्स है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है। ब्लूमबर्ग ने बिलियनियर इंडेक्स की जो लिस्ट निकाली है 500 लोगों की, उसने 12th पोजीशन पर रखा गया है मुकेश अंबानी को। और एक हुनरू है, हुनरू रिपोर्ट, तो जो हुनरू रिपोर्ट है उसने मुकेश अंबानी को 8th पोजीशन पर रखा है, ठीक है। तो हुनरू रिपोर्ट दूसरी है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर रिपोर्ट दूसरी है, ठीक है। तो ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी को 12वां पोजीशन मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता? ISSF, इसके बारे में तो मैंने बहुत बार बताया है, तो किसने जीता है? अपूर्वी चंदेला ने। ISSF कहां पर आयोजित हो रहा है इसके बारे में कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए। आगे है, नागालैंड के पहले लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली? नागालैंड के पहले लोकायुक्त कौन बन गए हैं? जस्टिस उमानाथ सिंह, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, AIBA फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? AIBA के फाउंडेशन के प्रमुख कौन चुने गए हैं? अजय सिंह। कौन? अजय सिंह। ये और क्या हैं? ये भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। अगर आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते हो मेरी, डेली करंट अफेयर की, वीकली करंट अफेयर का टेस्ट देते हो, और फिर आप लोग मंथली करंट अफेयर वीडियो देखते हो, तो करंट अफेयर तो बिल्कुल आपकी जुबान पर आ जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय समुद्र सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? क्षेत्रीय समुद्र सुरक्षा सम्मेलन 2019 इसका आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मीठी क्रांति योजना शुरू की गई? मीठी क्रांति योजना किस राज्य में शुरू की गई? झारखंड में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। मधुमक्खियों के लिए शुरू की गई थी, मधुमक्खी पालन के लिए। अगला है, AHF यानी एशियन हॉकी फेडरेशन 2018 के प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मनप्रीत सिंह को, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह को, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ए ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं लाल रिम सियामी, ये हॉकी वुमेन्स हॉकी की स्ट्राइकर हैं, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे है, हाल ही में निर्माणाधीन घरों पर GST कितनी प्रतिशत कर दी गई? GST निर्माणाधीन घरों पर कितने प्रतिशत कर दी गई? तो कितने प्रतिशत कर दी गई? 12% पहले थी, अब कर दी गई 5%, ठीक है। पहले 12 थी, अब कर दी गई है 5, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब आप लोग को बताना है कमेंट करके कि GST लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है, शराब तस्करी की जांच के लिए प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने वाला पहला राज्य कौन बना? शराब तस्करी की, जो शराब की स्मगलिंग हो रही थी, उसके लिए ट्रेंड कुत्तों को तैनात करने वाला पहला राज्य बिहार बना है, ठीक है। कौन बना है? बिहार। इन कुत्तों को ट्रेनिंग कहाँ दी गई थी, अगर आपको याद हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैंने आपको बताया था डेली करंट अफेयर वीडियो में, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ इसके एक्स्ट्रा जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इनके भी आप लोग आंसर जल्दी जल्दी करते रहिए, क्योंकि मोबाइल हाथ में है और आप लोग तो मुझे पता है चैटिंग करते करते इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छे से, आपको पर्याप्त समय मिल रहा होगा। आगे है, 91वें अकादमी पुरस्कार में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में
किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया, ठीक है, किस फिल्म को दिया गया है? इंडिया की ये मूवी है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी है, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, 91वां ऑस्कर अवार्ड इसे मिला है। ओके, आगे बात करते हैं, राइजिंग इंडिया समिट 2019 का उद्घाटन कहाँ हुआ? राइजिंग इंडिया समिट 2019 इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आगे है, WFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में तीसरी बार बन गए हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। कौन? ब्रिजभूषण शरण सिंह, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद की 46वीं बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया? गया कर लीजिए, ये बैठक हो रही है OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में, ठीक है। भारत की तरफ से कौन गया है? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी गई हुई हैं, ठीक है, अबू धाबी में आयोजन हो रहा है, अबू धाबी UAE की राजधानी है। नेक्स्ट है, निर्माण एक्सपो CTI की मेज़बानी कौन करेगा? निर्माण एक्सपो CTI इसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है। CTI की मेज़बानी इंडिया करेगा। 2 और 3 मार्च को ये आयोजित किया जाएगा, 2 दिवसीय है। अगला बात करते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2019 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? बेस्ट एक्टर, बहुत इजी है, बताइए जल्दी से, और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, किसने जीता है? रामी मालिक ने, ठीक है। और ए ऑप्शन में जो दिख रहे हैं, ए ओलिविया कालमैन, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। किसे? किसका? बेस्ट एक्ट्रेस का। अब आपको बताना है कमेंट करके कि बेस्ट फिल्म कौन चुनी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया, जल्दी से बताइए, कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गोरख जिले में। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है, हाल ही में रेल दृष्टि डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रेल दृष्टि डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रेल मंत्री पीयूष गोयल, इनके पास रेल मंत्रालय के अलावा कोयला मंत्रालय का भी चार्ज है, इन्होंने रेल दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? लोगों को बताने के लिए कि रेलवे में क्या चल रहा है करंट टाइम पर। नेक्स्ट है, हाल ही में 4थी ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? 4थी ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप सम्मेलन कहाँ किया गया है? कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताते रहिए आप लोग, कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, आगे बात करते हैं, हाल ही में META मेटा के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया? तो META के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? महेश एलकुंचवार को। किसे? महेश एलकुंचवार को। अगला है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 के विजेताओं को पुरस्कार कौन देगा या दिया? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 के विजेताओं को पुरस्कार कौन दिया? नरेंद्र मोदी जी ने, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने अवार्ड दिया है युवा संसद महोत्सव 2019 के लिए। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय कार्य योजना वायरल हेपेटाइटिस का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रीय कार्य योजना वायरल हेपेटाइटिस इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप लोग रिवीजन अगर करते रहोगे तो फिर आपसे चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ होता है जिसको लोग पढ़ते जाते हैं और भूलते जाते हैं, लेकिन आप लोग जिस स्ट्रेटजी से मैं आपको बताता हूँ, मेरे चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती है, अगर उस स्ट्रेटजी से आप लोग पढ़ते हो तो आपका कभी भूल नहीं सकता है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, आपकी जुबान पर आ जाएगा, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर बताता हूँ, फिर शाम को क्विज़ में भी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, फिर उसके बाद फिर वीकली में भी एक टेस्ट कराता हूँ, फिर मंथली का करंट अफेयर तो आपको मिलता ही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? यूही ससाकावा को। किसे? यूही ससाकावा को। तो इन्हें मिला है 2018 के लिए। अब 2015 के लिए किसे मिला है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की? किस देश के विदेश मंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की? ईरान के विदेश मंत्री ने। क्या नाम था? जवाद जरीफ। क्या नाम था? जवाद जरीफ।
आगे है राजकुमारी रिमा बिंत बंदार को किस देश की पहली महिला राजदूत नियुक्त किया गया। अब फिर से आ गया है पहली महिला राजदूत किसके किस देश के नियुक्त किया गया है, सऊदी अरब का। ठीक है, पहली महिला राजदूत या पहली महिला पायलट कुछ भी बने ऐसा ना, तो आप लोग सऊदी अरब अगर हो ऑप्शन में तो वही लगा करो, क्योंकि सऊदी अरब के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि वुमेन सशक्तिकरण पर इनका बहुत फोकस है। अब आपको बताना है कमेंट करके कि ये रिमा बिंद बंदार हैं ये किस देश के लिए राजदूत नियुक्त की गई हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आगे है, हाल ही में यूएन और सिडबी ने किस देश के साथ मिलकर महिलाओं का आजीविका बॉन्ड लॉन्च किया है। यूएन और सिडबी ने मिलकर के किस बैंक के साथ महिलाओं के लिए वुमेन लाइवहुड बॉन्ड लॉन्च किया है, वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। QRSAM मिसाइल का किया गया है DRDO द्वारा। ठीक है, QRSAM का फुल फॉर्म क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, आगे है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है, कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी आप लोग। मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, कमलनाथ, उन्होंने शुरू की है। क्राइटेरिया क्या रखी गई है आप लोग कमेंट करके बताइए, कितने लाख वेतन वाले वार्षिक वेतन वाले परिवारों को युवाओं को दिया जाएगा ये। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किसको अमेजन के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। अमेजन के निदेशक मंडल में किसको शामिल किया गया, इंदिरा नुई को। किसे? इंदिरा नुई को। अच्छा, इंदिरा नुई इससे पहले किसकी CEO थी, इसको आप लोग कमेंट करके बता दीजिए अगर याद हो तो। आगे हम लोग देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बन गई है, श्रीलंका। श्रीलंका ने 2-0 से हरा दिया है साउथ अफ्रीका को, ठीक है, टेस्ट सीरीज में, तो ये पहली एशियाई टीम बन गई है। आगे है, हाल ही में किस राज्य ने नव किसान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नव किसान के साथ किस राज्य ने किए हैं, उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, T20 में 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए। T20 में 8000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, सुरेश रैना। ठीक है, अच्छा क्या आपको याद है कि सुरेश रैना ने किस टीम के खिलाफ बनाया है, अगर आपको याद हो तो आप लोग बता दीजिएगा, 8000वां रन किस टीम के खिलाफ बनाया है सुरेश रैना ने। नेक्स्ट है, एविएशन कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। एविएशन कॉन्क्लेव इसका आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। इसकी थीम रखी गई थी फ्लाइंग फॉर ऑल। ओके, आगे है, हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT इन्होंने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, गोविंद प्रसाद शर्मा को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, गोविंद प्रसाद शर्मा को। ठीक है, अगला है, हाल ही में कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी किसने जीता। कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी किसने जीता है, ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने। किसने? ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने। ये कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी जो होती है ये चेस से रिलेटेड गेम है, ठीक है, शतरंज। आगे है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति किसे नामित किया गया है, मोहम्मद बुहारी को। किसे? मोहम्मदू बुहारी को। एक बार फिर से बने हैं ये। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों का वेरी इजी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट भी है, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस CV रमन जी के याद में, उनके सम्मान में। कब से मनाया जाना शुरू हुआ ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। आगे है, हाल ही में किस मंत्रालय ने श्रेयस योजना शुरू की। श्रेयस योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। मैं आपको कम टाइम तो नहीं दे रहा हूँ, 5 सेकंड आपको काफ़ी तो पढ़ रहे हैं ना, कमेंट करके आप लोग बताइए कि अगर आपको कम टाइम लग रहा हो तो। मेरे ख्याल से तो मैं आपको इनफ टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे है, बायोएशिया के 16वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया। बायोएशिया इसके 16वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया, तेलंगाना में, तेलंगाना के हैदराबाद में, ठीक है। आगे बात करते हैं, IDBI बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। IDBI बैंक ने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है,
हेमंत भार्गव को, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा, हेमंत भार्गव और कहाँ के एमडी हैं, किस कंपनी के, आप कमेंट करके बताना है, ठीक है, किस और कंपनी के ये एमडी हैं करंट टाइम पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने बंगलार शिक्षा नामक पोर्टल लॉन्च किया। बंगलार शिक्षा पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है, पश्चिम बंगाल ने। ओके, आगे है, हाल ही में किसे सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सौभाग्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, CZPDC को और WZPDC को, यानी कि बोथ ऑफ द अबव ऑप्शंस इज करेक्ट। CZPDC यानी कि सेंट्रल जोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है। सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी, अगर आपको याद हो तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से। आगे है, पुस्तक क्वालिटी एक्रीडेशन एंड रैंकिंग, इस पुस्तक का अनावरण नई दिल्ली में किया गया, इसके लेखक कौन हैं, इसके लेखक डॉक्टर एच चतुर्वेदी जी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसका पुस्तक का अनावरण किसने किया है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने प्रणाम आयोग शुरू किया। प्रणाम आयोग किस राज्य ने शुरू किया है अभी हाल ही में, असम ने, किसने, असम ने शुरू किया है प्रणाम आयोग। आगे है, हाल ही में RBI ने किस बैंक को PCA से हटाया है। किस बैंक को हटाया है RBI ने, इलाहाबाद बैंक को, कॉरपोरेशन बैंक को और धनलक्ष्मी बैंक को, यानी कि उपरोक्त सभी बैंकों को, इन तीनों बैंकों पर PCA लगाया गया था, ठीक है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइज कब किया गया RBI को, बता दीजिए कमेंट करके। आगे हैं, निम्न में से किसने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ISSF फिर से आ गया, कहां पर आयोजित हो रहा है इसको बताना है, इसके साथ ही मिक्स डबल में बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स डबल्स में जीता है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ साझेदारी की। अटल इनोवेशन मिशन ने, नीति आयोग के जो हैं शुरू किया गया नीति आयोग द्वारा, किसके साथ साझेदारी की है, एडोबी के साथ, किसके साथ, एडोबी के साथ, ठीक है। नीति आयोग के CEO कौन है, जल्दी से कमेंट कीजिए, नीति आयोग के CEO। अगला है, हाल ही में रेल मंत्री ने किस राज्य के लिए नए रेलवे जोन की घोषणा की। नए रेलवे जोन की घोषणा, नया रेलवे यानी कि 18वां रेलवे जोन हो जाएगा अब ये, अब तक 17 रेलवे जोन है इंडिया में। ओके, तो रेल मंत्री ने, जो कि पीयूष गोयल हैं, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम मुख्यालय वाले में एक नए रेलवे जोन की घोषणा की है। वो नया रेलवे जोन कौन सा होगा, दक्षिण तट रेलवे होगा, ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे होगा ये नया रेलवे जोन, जो कि जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में होगा, ठीक है। अगला है, किस बैंक ने सुधारों के एजेंडे के कार्यान्वयन में पहला स्थान प्राप्त किया। सुधारों के एजेंडे के कार्यान्वयन में, आप लोग, मैं देखता हूँ, मैं जब पहला क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता रहा होता हूँ तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर करने लग जाते हो। आप लोग ध्यान से सुना करो, पहले क्वेश्चन के बारे में भी हो सकता है मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पूछ लूँ आपसे तो उसके आंसर करना पड़ जाए, या फिर हो सकता है कुछ चीज़ आप लोग भूल रहे हो उसके बारे में मैं बता दूँ, ठीक है। इस वजह से एक्सप्लेनेशन आप लोग सुन लिया करो, तब सेकंड क्वेश्चन का आंसर किया करो। तो फिलहाल इसमें ऑप्शन होगा BA, मैं जानता हूँ आप लोग इसके लिए आंसर कर चुके हो ऑलरेडी, PNB, ठीक है। सुधारों के एजेंडे के कार्यान्वयन के लिए फर्स्ट रैंक मिली है PNB को, ठीक है। सेकंड रैंक किस बैंक को मिली है, इसके बारे में कमेंट करके आपको बताना है। आगे है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों ने प्राप्त किए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, 34, और किसने दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। इस, अच्छा, इस पुरस्कार को शुरू कब किया गया था, अगर आप लोग आज की करंट अफेयर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, कब शुरू किया गया था ये पुरस्कार। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी 4G LTE सेमीकंडक्टर चिप्स का अनावरण किसने किया। 4G LTE चिप्स का अनावरण किसने किया है, सिग्नल चिप ने, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, LTE का फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिए कमेंट करके जल्दी से, मैं आपको समय दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, किस राज्य में DEPWD द्वारा 7वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 7वां गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड DEPWD द्वारा बनाया गया है किस राज्य में,
गुजरात के भरूच में, ठीक है, गुजरात के भरूच में। अब आपको बताना है कि 8 घंटे में इन्होंने कितने पैर ट्रांसप्लांट किए हैं, जिसकी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हुआ है। 8 घंटे में कितने पैर, बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने टाइटन वाला म्यूजियम का उद्घाटन किया? टाइटन वाला म्यूजियम किस केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया है? कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ सिंपोजियम, तो किस कहाँ पर किया गया इसका उद्घाटन? नई दिल्ली में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कर और बैंकिंग मामलों पर, यानी टैक्सेस और बैंकिंग मामलों पर सूचना के इंफॉर्मेशन के इंटरचेंज के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ किया है? ब्रुनोई के साथ। किसके साथ? ब्रुनोई के साथ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें टैक्सेस और बैंकिंग के मामलों पर सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज हो सकेगा इन दोनों देशों के बीच में। आज की करंट अफेयर आप लोग देखे होंगे तो बिल्कुल अच्छे से पता होगा। आगे है, न्यू ईयर ऑनर लिस्ट में किसे नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया? तो नाइटहुड की उपाधि से किसे नवाजा गया है? किसे नवाजा गया है? एलिस्टर कुक को। अब इनके नाम के सामने सर लिखा जाएगा, ठीक है, सर एलिस्टर कुक। ये किस देश से खेला करते थे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है, किस देश से खेलते थे इसके बारे में कमेंट कीजिए। अब बस दोस्तों 67 क्वेश्चन हो गए हैं इस वीक से, बहुत ही ज़्यादा हैं, जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और बहुत अच्छी से आप लोग एक हफ्ते में यानी कि पिछले 7 दिनों के अंदर 67 क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया है, जो कि आपके लिए बहुत है, इसके बाहर से नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपको टेस्ट देने में मज़ा आई कि नहीं मज़ा आई, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही ये भी बताइए कि आपका कितना रिवीजन हो सका है। तो आप लोग जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मुझे भी उत्साह मिलता है। तो आप लोग लाइक कर दिया करो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट जिसे लाता रहूँ। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहोगे तो मैं ऐसी सीरीज़ें लगातार लाता रहूँगा आपके सामने। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको करंट अफेयर की PDF मिल जाया करेगी। इसके साथ ही मंथली करंट अफेयर वीडियो आ चुकी है, तो आप लोग देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, फरवरी मंथ की। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।